नमस्कार दोस्तों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। आपका स्वागत है इस खूबसूरत ब्लॉक में। देखिए दोस्तों, मैं कहीं जा रहा हूँ, लगभग 10 किलोमीटर मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ तो यह आप लोग देख रहे हैं, यह मैं जा रहा हूँ साइकिल से। पड़ोस की साइकिल है, वहाँ से साइकिल मांग कर लाया हूँ और अब जा रहा हूँ। 10 किलोमीटर लंबा सफ़र है, और यह देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, हम साइकिल से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए, पहली बात तो मैं अपने बारे में बताऊं आप लोग को, तो मुझे साइकिलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और इधर बीच हम लोग लॉकडाउन जो था और अभी भी लॉकडाउन है, तो हम लोग यह सुने हैं कि यहाँ पर मुंबई से दिल्ली से लोग साइकिल चला कर आए हैं और 400 500 600 700 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ साइकिल पर तय किए हैं। तो बहुत से लोग अचरज कर रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन मुझे जो है, मुझे हमेशा शौक रहता है साइकिल चलाने का। बाइक भी है, फोर व्हीलर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बस मौका खोजता हूँ, मौके की तलाश करता हूँ। अगर साइकिलिंग करना हो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 50 किलोमीटर तक मैं कर सकता हूँ अगर कोई शर्त लगाए तो, और 2-4 10 किलोमीटर के लिए समझिए एकदम मेरा शौक है। ऐसी बात नहीं, मैं बहुत तेज़ साइकिल चलाता हूँ, बहुत तेज़ साइकिल नहीं चलाता हूँ, धीरे धीरे चलाता हूँ, मस्ती में चलाता हूँ, लेकिन साइकिल चलाता जाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है साइकिलिंग करना, मुझे अच्छा लगता है। तो इस समय देखिए मैं जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ और 10 किलोमीटर लगभग दूरी है, या बीच रास्ते में मुझे अच्छा लगा कि मैं सोचा कि मैं एक ब्लॉग बनाऊं आप लोगों के लिए, आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो यह देखिए साइकिल पर निकल रहे हैं और यह देखिए पूरा का पूरा नज़ारा है, गांव का है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, देखिए दोस्तों ये आप लोग नहर देख रहे हैं, नहर है। ये जो नहर है यह आया हुआ है नेपाल से, आया हुआ है नेपाल से। आप लोग को जानकारी दें, मेरा जो घर है नेपाल के बॉर्डर वाले जनपद में ही हमारा घर है। तो यह जो नहर है यह नेपाल से आ रहा है, और नेपाल में एक नदी है गंडक नदी। गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है और इंडिया में बहती है। तो नेपाल में गंडक नदी को, इसमें तो यहाँ पर इंडिया में तो गंडक नदी बोला जाता है उसको, लेकिन नेपाल में उसी नदी को नारायणी नदी बोला जाता है, नारायणी या शालिग्राम नदी बोला जाता है। तो वह नारायणी या शालिग्राम नदी या गंडक नदी आप लोग जानते होंगे, तो गंडक नदी से ही ये नहर निकली है। यह नारायणी शाखा बोली जाती है, और उस पुल पर नारायणी शाखा भी लिखा हुआ है। तो यह समझिए ये जो नहर आ रहा है यह नेपाल से आ रहा है, नारायणी शाखा का नहर है, और गंडक नदी को नेपाल में ही नारायणी नदी बोलते हैं, इस तरह समझ सकते हैं। तो यह देखिए, अच्छा एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, इसके पहले वाले ब्लॉक में मैं बताया भी था कि देखिए वह पुल देख रहे हैं, वह पुल देखिए और फिर ये पुल देखिए, मतलब एक पुल से दूसरे पुल के बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर है। और मैं दिखा रहा हूँ पर्यावरण किस तरह से असंतुलित हो गया है, आप लोग खुद देखिए कि उस पुल से लेकर इस पुल तक, मुझे याद है, आज भी याद है, जब हम लोग छोटे थे 4 5 7 8 साल के थे, तो हम लोग नहर पर हमेशा हमें घूमने टहलने आते थे, और तो हमारे सामने की बात है, हमारे समझ की बात है, सामने बात है कि पूरा का पूरा नहर यहाँ से लेकर उस पुल तक एकदम समझिए वृक्ष ही था, शीशम का, सागौन का, शीशम का वृक्ष ज़्यादा था, लिप्टिस का वृक्ष था। लेकिन आज देखिए इंसान कितना स्वार्थी हो गया है, कितना निर्दयी, कितना मतलब कैसा हो गया है कि सारे के सारे कम से कम उस पुल से लेकर इस पुल तक एक वृक्ष नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है आप खुद बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? पर्यावरण का इस तरह से दोहन हो रहा है, मनुष्य इतना स्वार्थी, मतलब जब तक वृक्ष था लगातार लोगों ने लकड़ी काटे, सागौन काटे, लकड़ी माफिया, ऐसा नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं कि हर कोई यह कार्य करता है, लेकिन गांव में मोहल्ले में एक दो लोग होते हैं जो यह कार्य करते हैं। और आज देखिए कि इस पुल से लेकर उस पुल तक एक वृक्ष नहीं है। अगर कोई पथिक चल रहा है, अगर रास्ते में चल रहा है, अगर उसको छांव की आवश्यकता पड़ेगी तो छांव नहीं मिलेगा, यह स्थिति है। और इस पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, कोई लगाम लगाने वाला नहीं। अगर गवर्नमेंट लगाम लगाती तो बताइए, यहाँ पर वृक्ष, मान लीजिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं, देखिए मान लीजिए देख रहे हैं, रुकिए वह देखिए वहाँ पर, मतलब ये हाईवे है ये, तो यहाँ सड़कें चौड़ी हुई हैं, तो मतलब दोनों तरफ के जो लंबे लंबे चौड़े चौड़े बड़े बड़े वृक्ष थे, पीपल के, पाकड़ के, बरगद के, आम के, नीम के, शीशम के, वह तो काट दिए गए। सड़क चौड़ा होती है तो कटती है, चलिए भाई मानता हूँ आप कुछ विकास करेंगे तो थोड़ा सड़क चौड़ा होती है तो काटी जाती है, और बीच में क्या बोलते हैं अंग्रेजी पौधे रोप दिया जाते हैं, उसी बात अलग है, वहाँ आपकी मजबूरी थी काटना, लेकिन आपने
मतलब गवर्नमेंट ने और समाज ने, मैं सबकी बात करूँ कि सिर्फ सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं होती है, समाज भी कहीं ना कहीं उसमें दायित्व होता है। लोग पढ़ लिए हैं लेकिन इस मतलब कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसका विरोध करने वाला कोई नहीं होता है। आप बताइए यहाँ पर जो वृक्ष थे उसे क्यों काट दिया गया, इस पुल से उस पुल तक एक वृक्ष नहीं है। और मैं आप लोग को बता दूँ, जब मैं छोटा था तो बहुत कम, हमारे ख्याल से कम 200 वृक्षों का दोहन हुआ है, काट लिए गए हैं लकड़ी माफियाओं ने, काट लिया है सब। ऐसा नहीं है कि इसमें बड़े लोग ही जिम्मेदार हैं, छोटे से बड़ा हर कोई जिम्मेदार है, हर किसी ने काटा है। तो ऐसा नहीं है, ये स्थिति बस यहाँ की है, ये हर जगह की है, हर नहर की स्थिति है। और इस तरह से बात है, तो बस ये देखिए, बस मैं आप लोग को दिखा रहा था, ये सब बातें भड़ास निकल जाती हैं कभी कभी। ठीक है दोस्तों, आइए। और मैं ये वह पुल तो आप लोग वह पुल तो देख रहे हैं, नहीं ये पुल है शायद, ये पुल आप लोग देख रहे हैं, वो जो पुल है बहुत हॉन्टेड है, बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है। अब वहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन इसके पहले ऐसी घटनाएं वहाँ होती रही हैं और बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है। अभी तो इधर भी घटनाएं नहीं हो रही हैं क्योंकि वो उस पुल का जो दीवाल है वो ऊंचा कर दिया गया है। नहीं तो ऐसा होता था कि वहाँ पर कम से कम हमारे ख्याल से सैकड़ों लोगों का डेथ हुआ है। क्या बोलते हैं, कोई मोटरसाइकिल से जाता था गिर जाता था नहर में, कोई मतलब कि कार से जाता था गिर जाता था, और टू व्हीलर गाड़ियाँ या फोर व्हीलर गाड़ियाँ बहुत सारी गिरी हुई हैं वहाँ पर, और तमाम तरह की भ्रांतियाँ भी वहाँ प्रचलित हैं। तो उस पुल के बारे में अगले ब्लॉग में बताऊँगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद आप लोग को। और ऐसा वहाँ पर इसके पहले जब घटनाएं हुई हैं, लोग कहते रहे हैं कि जैसे जो कि वहाँ पर कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, और आवाज़ आने के बाद जब कोई पीछे मुड़कर दिखता है तो वह सीधे सीधे नहर में गिर जाता है। और नहर जो है वह साधारण नहीं नहर नहीं है, वहाँ पर ठोकर लगा हुआ है, वहाँ पर समझिए एक तरह से क्या कहा जाए, बाध होता है, एक कृत्रिम प्रपात बना दिया गया है। तो वहाँ पर जो नहर में गिर गया, चाहे टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, कचुम्बा निकल जाता है, सब कोई मर जाता है। तो अभी ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं, 5-7 साल 8 साल 10 साल बीत चुका है, ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और जो नहर का जो दोनों तरफ का दीवाल है उसे ऊंचा कर दिया गया। तो अब ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। अगले ब्लॉग में मिलते हैं उस प्लेस के बारे में। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को, शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत ब्लॉग में। और यह देखिए आप लोगों को पिछले ब्लॉग में एक नहर में दिखाया था जहाँ पर वृक्षों का बहुत दोहन हो गया था, और वह नहर जो था वो गंडक नदी का था, जिसे शालिग्राम और नारायणी नदी बोलते हैं नेपाल में। तो यहाँ अब देखिए उस गंडक नदी से, उस नारायणी नदी से कुल 36 शाखाएँ निकली हैं, जिसमें से वह एक शाखा थी जो मैं आप लोग को उस वीडियो में बताया था, और यह जो है दूसरी शाखा है। कुल मिलाकर 36 नहरें निकली हैं। तो यह देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही स्थिति है। और देखिए पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक कोई मतलब कोई वृक्ष नहीं है, हर जगह वही हाल है। और एक मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ वह पुल, आप जो लोग देख रहे हैं पुल, वहाँ पर 1969 में पुल बना था, 1969 में पुल बना था, और वह पुल अभी 2 महीना पहले गिर गया था किसी वजह से, मतलब क्षतिग्रस्त हो गया था, गिर गया था, मतलब उसी हिसाब से बना ही होगा। अब फिर से नया पुल बना हुआ है, देखते हैं यह कब तक टिकता है और कैसा काम हुआ है। तो यह अभी नया पुल बना है, इसके पहले जो पुल था 1969 में बना था जो गिर गया, तो अभी यह नया पुल बना हुआ है। आइए हम देखते हैं कैसा है। तो आप लोग देख रहे हैं सब, दरअसल हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पुल का निर्माण हो रहा है, पुल गिर भी जाते हैं, और मैं तो बखूबी जानता भी था उस पुल पर, मैं देखा था 1969 अंकित था। तो आप खुद सोचिए 1969 में बना और बहुत ही मतलब कि उस समय तो भाई मजबूती तरीके से लग रहा था, लेकिन देखिए 1969 में बना और यह 2020 है, 2020 के मार्च अप्रैल तक यह क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। तो अभी यह नया पुल बना हुआ है, देखते हैं यह कब तक टिकता है। और यह बहुत मतलब कि बहुत ही लचर है, अगर ज़्यादा मतलब कि अगर 10 चक्का 16 चक्का अगर यह ट्रक व्रक चलेगा तो मुझे नहीं लग रहा कि यह ज़्यादा समय तक रह सकता है। हाँ, उतना मजबूत पुल नहीं है कि यह 16 चक्का मतलब ट्रक का बर्दाश्त कर ले, मतलब ज़्यादा दिन तक टिकने वाला तो मुझे नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से वह पिछला पुल जो था वह ज़्यादा मजबूत था। तो यह आप लोग देख रहे हैं पुल को,
तो देखिए पुल को बहुत ही मतलब कि बहुत ही मुझे लग रहा है कि यह कमजोर बनाया। आमतौर पर यह यहाँ पर भारी वाहन बहुत चलते हैं, इस रास्ते पर भारी वाहन बहुत चलते हैं। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह से मजबूत पुल पिछली बार था वैसा नहीं है ये, और भारी वाहन शायद बर्दाश्त ना कर पाए, तो यह आप लोग देख रहे हैं पूरा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।